खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एक जीजा बन गया अपने ही साले का दुश्मन। कहानी धौलपुर की है, जहां एक जीजा ने अपने साले पर बरसा दी गोलियां। लेकिन क्यों, देखिए सीसीटीवी में कैद ये डरावनी कहानी। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद है एक डरावनी कहानी। कहानी एक जीजा के जुल्म की, उसके खौफनाक खेल की। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर शहर स्थित होटल आशीर्वाद की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, होटल का मैनेजर अपने काउंटर पर बैठा है, तभी अनूप नाम का एक शख्स अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है और फिर होटल के मालिक के साथ मारपीट शुरू कर देता है। मारपीट की यह खबर जैसे ही होटल मालिक रजत को मिलती है, वो घटना स्थल पर पहुंचता है। रजत अनूप को रोकने की कोशिश करता है तो अनूप पिस्तौल निकाल लेता है और रजत पर फायरिंग कर देता है। ये तो रजत की खुशकिस्मती थी जो वो बच गया, वरना कुछ भी हो सकता था। पुलिस के मुताबिक रजत पर गोलियां दागने वाला अनूप रिश्ते में रजत का जीजा लगता है। जीजा और साले के बीच किसी बात को लेकर विवाद था, जिसका अंजाम अब इस मारपीट और गोलीकांड के रूप में सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित रजत की शिकायत पर उसके जीजा अनूप के साथ ही हमले में शामिल उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। छानबीन की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।